दोस्तों, ये है मेरी ग्रीनिश सीरीज का थर्ड एंड लास्ट पार्ट। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे, आई बटन पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन चेक आउट। नाउ आफ्टर द म्यूजियम आई एम गोइंग टू रॉयल ऑब्जर्वेटरी, जिसके लिए मैं यहाँ स्पेशली आई थी। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दिस इज़ रॉयल नेवल कॉलेज, बिल्ट इन 1696। एंड पहले ये हॉस्पिटल हुआ करता था, बाद में इसको कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड इट्स रियली 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 ब्यूटिफुल। तो आप देख ही सकते हो, पार्क इज सो सो बिग एंड सो ग्रीन। लंदन में कई पार्क्स में गई हूँ मैं, लाइक हाइड पार्क एंड रिजेंट पार्क। हाइड पार्क की तो वीडियो भी आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल विजिट कीजिए। तो मैं बता रही थी कि पार्क में एक व्यू पॉइंट है जहाँ से लंदन का बहुत प्यारा नज़ारा दिखता है। हाँ। उसे देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए। और मौसम बहुत अच्छा है, धूप बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि साथ में ठंड भी है थोड़ी सी। अब देखो, मैं यहाँ से आपको जो व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही ऑसम व्यू है। कंप्लीट तारों को अच्छे से दिख रहा है। वो जो एक वाइट सा आप देख सकते हो, जो राउंड सा है, दैट इज ओटू अरेना। एक्चुअली वो जो एक गाना है ना, वो लगती पंजाब दिया, वरुण धवन की जो मूवी आई थी वो वहीं पर ही शूट हुआ हुआ है। मैं आ गई हूँ उस जगह पे जिस पे आने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, ग्रीनिच मीन टाइम। आप देख सकते हो वही लाइन है। अभी अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं है क्योंकि शायद कोविड की वजह से बंद है। इस लाइन के दूसरी साइड नॉर्थ हेमिस्फेयर है और इस साइड साउथ हेमिस्फेयर है। तो ये लाइन देख लीजिए, यहीं से ही टाइम शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो क्योंकि वीकेंड है ना, इसलिए पूरा क्राउड अच्छा खासा है। यहाँ पे बच्चे बहुत ही मजे कर रहे हैं, वेदर ने पूरा साथ दे दिया मेरा। यार क्या व्यू है यार, ऑसम ऑसम। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बस मन कर रहा है धूप में ना मूंगफली लेके बैठ जाऊँ। सो नाइस सो नाइस। मतलब इतनी वॉक करने के बाद ये वो लगता है, जब व्यू मिले ऑसम, तो कितना मज़ा आता है ना कि हाँ आपने इसके लिए इतनी वॉक की थी, इतनी मेहनत की थी। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है टूरिस्ट प्लेसेस पे, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस आर रियली क्लीन एंड एवरीवन
अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे यहाँ इंडिया में भी बहुत सुंदर प्लेसेस हैं, बट कुछ इरिस्पॉन्सिबल लोग उनको ख़राब कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, कूड़ा कूड़ेदान में डालिए। ये था आज का सुविचार, अब आगे बढ़ते हैं। गाइस, मैं आ गई हूँ ग्रेनिच मार्केट, और जो कि अपनी क्राफ्ट एंड स्ट्रीट फूड के लिए बहुत फेमस है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं अभी एंटर करने के लिए। देखती हूँ कुछ ना कुछ तो लूँगी मैं। चलिए देखते हैं क्या है, कैसा है। हाँ, ये मार्केट बनी थी 1737 में। क्रिस्टल वाला बिग बैन, नाइस। ये लास्ट वन, सो नाइस ना। यप, ये पैडिंगटन। चलो तो गाइस, अब हो गई शाम। अब मेरे को चाहिए तो थी अदरक वाली एक चाय इतना ट्रेवल करने के बाद, पर ठीक है, मैं कॉफी से काम चला लूंगी। कॉस्ट ऑफ कॉफी इज दी बेस्ट, लेट्स गो। कैसे हैं? दोस्तों, आज का सफ़र था बहुत ही सुहाना। आपने देखा होगा मैंने कितनी अमेजिंग आपको म्यूजियम्स दिखाए, रॉयल ऑब्जर्वेटरी और ग्रेनिच मेन टाइम की जो लाइन है जहाँ से समय शुरू होता है, मैं समय वो व्यू कराया। और वेदर ने आज मेरा पूरा साथ दिया, जैसे कि आप देखते हो मेरी और वीडियोस में मैं सिर्फ गा रही होती हूँ इट्स रेनिंग। नहीं, आज कुछ नहीं था ऐसा, सूर्य देवता ने और पवन देवता सब साथ दे रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया, पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा था। ओवरऑल जो वीडियो है देख के आप भी एक्सपीरियंस कर सकते होगे कि कितना मैंने इन्जॉय किया। होपफुली आप भी उतना इन्जॉय करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, और मेरा चैनल सफ़र एक्सपेयर उसको सब्सक्राइब करो, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। दैट्स इट। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऑसम वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।